बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको SC प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट यामहा YBR में इंस्टॉल करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। यामहा YBR में इंस्टॉल करने के लिए हमें कौन सा बैंड पाइप चाहिए होगा और उस बैंड पाइप को हमने किस तरीके से एडजस्ट करना है, इस SC प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट की कितनी प्राइस है, क्या ये यूनिवर्सल है यानी कि हर बाइक में इंस्टॉल हो सकता है, इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल डिटेल बताएंगे। तो गाइज बस आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पहले वाले सिलेंसर को उतार लेना है, उसके बाद इस बैंड पाइप को लगाकर आपने चेक कर लेना है क्या कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। वैसे तो ये बैंड पाइप यूनिवर्सल है यानी कि यामहा YBR और CB150F में इंस्टॉल इजीली हो सकता है। अगर जो थोड़ी बहुत कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत पेश आए तो वो आप खुद करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। सिलेंसर के ये जो दोनों बोल्ट्स हैं इनके अंदर आपको 10 mm की वाशल ज़रूर रखनी पड़ेगी और हेड के अंदर सिलेंसर वाशल भी ज़रूर रखनी है ताकि कहीं से प्रेशर लीक ना हो। अभी तो हम इसको कम्प्लीटली फिट नहीं कर रहे, पहले हमने इसको चेक करना है कहीं से अगर जो एडजस्टमेंट की ज़रूरत पेश आई तो पहले हमने उसकी एडजस्टमेंट करवानी है, उसके बाद ही हमने इसको कम्प्लीटली तौर पर इंस्टॉल करना है। इन दोनों बोर्ड्स को आपने अच्छी तरह टाइट कर लेना है। फिर आपने बैंड पाइप को चेक करना है कि बैंड पाइप कहाँ पर जा रहा है, जहाँ पर हमने मफलर फिट करना है क्या वो जगह बिल्कुल बाहर है या अंदर की तरफ है, मफलर ईजीली फिट हो सकता है या नहीं। अगर जो नहीं हो सकता, अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा अंदर की तरफ है, अभी मफलर इजीली फिट नहीं हो रहा, एग्जॉस्ट इजीली फिट नहीं हो रहा, तो इसको हमने बैंड को गर्म करवा कर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलवाना है। वो सारा कंप्लीट प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। मफलर और बैंड पाइप को टाइट करने के लिए, आपस में टाइट करने के लिए जो दो स्प्रिंग लगते हैं उन दोनों स्प्रिंगों के लिए बैंड पाइप के ऊपर ये दो क्लिप्स भी हमें वेल्ड करवाने पड़ेंगे, एक नीचे वाली साइड पर और एक ऊपर वाली साइड पर। तो चलिए दोस्तों इसको गर्म करवा कर इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ बैंड करवाना है ताकि एग्जॉस्ट ईजीली फिट हो सके। दोस्तों अगर जो बात की जाए क्या ये एग्जॉस्ट यूनिवर्सल है, तो जी हाँ भाई ये यूनिवर्सल है, आप किसी भी बाइक में इसको इजीली इंस्टॉल करवा सकते हैं, जस्ट आपको बैंड पाइप थोड़ा अलग अलग लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो भाई ये बैंड पाइप तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको बाहर की तरफ निकालने के लिए इसको हमें खोलना पड़ेगा, खोलकर फिर हमने इसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद फिर हमने हैमर की मदद से इसको पंच करना है ताकि ये आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाए और पीछे एग्जॉस्ट इजीली इंस्टॉल हो जाए। तो दोस्तों अभी बारी है क्लिप्स को वेल्ड करने की, तो आप ये सारा प्रोसेस अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों वेल्डिंग होने के बाद इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसकी हालत दुरुस्त करने के लिए हमें इसको बफिंग करना है। बफ करने के बाद इसकी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबसे पहले हमने तारों वाले ब्रश का इस्तेमाल करना है ताकि कोई गहरे निशान वगैरह हो वो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद फिर हमने कपड़े वाले ब्रश का इस्तेमाल करना है ताकि इसके ऊपर शाइनिंग आ जाए। दोस्तों वेल्डिंग और बफिंग का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अभी बारी है इसको फाइनली इंस्टॉल करने की। इंस्टॉल करने से पहले आपको पता ही है कि हेड के अंदर वाशर का होना ज़रूरी है ताकि कहीं से प्रेशर लीक ना हो। उसके बाद आपने 10 mm के दो LK बोल्ट्स को अच्छी तरह टाइट कर देना है।
पहले तो आप इन दोनों बोर्ड्स को ज़्यादा टाइट ना करिएगा, पहले आपने मुकम्मल तौर पर इसको इंस्टॉल कर लेना है, आखिर में सारे बोर्ड्स को आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में। जो इसकी कीमत है वो जो एग्ज़ॉस्ट की कीमत है तकरीबन 6,000 रुपये और जो बैंड पाइप की कीमत 2,500 रुपये है। बाकी का जो सामान होता है वो आपको एग्ज़ॉस्ट के साथ ही मिल जाता है। आप इसको ऑनलाइन बाई कर सकते हैं अलीबाबा से भी या फिर दराज से भी, जहाँ से आपको ईजी लगे। दोस्तों इस एग्ज़ॉस्ट का सुराख बराबर नहीं है, सुराख बराबर करने के लिए हमें पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी। जेड टाइप पत्ती आपने लगानी है। बोल्ट को अच्छी तरह टाइट करने के बाद एक बोल्ट आपने बाइक के साथ अटैच कर देना है, दूसरा एग्जॉस्ट के साथ। दोस्तों अभी बारी आ जाती है स्प्रिंग डालने की। स्प्रिंग डालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी है। क्लच वायर की ज़रूरत पड़ेगी, आपने क्लच वायर को स्प्रिंग के अंदर लगाकर आपने प्लास की मदद से उसको खींचना है। अभी देख सकते हैं हमने प्लास को किस जगह पर अटैच किया हुआ है। इसको थोड़ा सा आपने खींचना है और स्प्रिंग इजीली फिट हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह आपने दूसरे स्प्रिंग को फिट करना है। तो आप देख सकते हैं दोनों स्प्रिंग्स हमने इजीली फिट कर लिए हैं। दोस्तों अब हमने इसके सारे नट्स बोल्ट्स को अच्छी तरह टाइट कर देना है। दोस्तों पाक बाइक रिपेयरिंग एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको एक ही चैनल पर मोटरसाइकिलों के रिलेटेड हर किस्म की आने वाली न्यू अपडेट, हर किस्म की मॉडिफिकेशन, हर किस्म की रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिक काम, व्हील बैलेंसिंग काम, कलर का काम, बफिंग का काम, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको एक ही चैनल पर मिल जाएंगी। हमारी 1x1 सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं। प्लीज़ एक बार आप हमारी सारी वीडियोस को ज़रूर विज़िट करिएगा, इंशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके साथ साथ कुछ हमारा भी फ़ायदा होगा क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आप दोस्तों के लिए। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ॉस्ट हमने इंस्टॉल कर लिया है, अभी आपको उसका साउंड भी चेक करवाते हैं। असल में माइक सिलेंसर के ज़्यादा करीब है, शायद आपको साउंड अच्छा ना भी लगे, लेकिन वैसे तो इसका साउंड बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।